ईशान किशन के लौटेंगे अच्छे दिन। बीसीसीआई इस बड़े टूर्नामेंट से ईशान किशन की करा सकता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी। हाँ, अगर हम बात करें ईशान किशन की, तो उनके दुर्दिन चल रहे हैं, बुरे दिन भी चल रहे हैं आप कह सकते हैं। ईशान किशन जो बिना बात के, बिना वजह के इस वक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर से बाहर है। ईशान किशन जो एक वक्त तक ये सोच कर चल रहे होंगे कि भैया ऋषभ पंत 2 सालों के लिए नहीं है तो मैं धाक जमाकर भारतीय टीम का नंबर 1 विकेट कीपर बन सकता था, लेकिन वो ईशान किशन इस वक्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विलुप्त हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका कहीं नामो निशान नहीं सुनाई दे रहा। कारण सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन है। कारण ईशान किशन की उदंडता, कारण बीसीसीआई के खिलाफ बगावत करना, कारण डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना, बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन करना। ईशान किशन इन सभी कारणों के कारण इतने लपेटे गए कि मुंबई इंडियंस से भी वो अपना छाप नहीं छोड़ पाए। ऐसा लगा कि ईशान किशन बल्लेबाज भी विलुप्त हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस से आईपीएल 2024 में बहुत ही बुरा प्रदर्शन था, मानो ईशान किशन खत्म हो गए। वो तो धन्य हो कि हार्दिक पांड्या से उनकी ट्रेनिंग में दोस्ती हो गई कि मुंबई इंडियंस से वो सारे मुकाबले खेल लिए। ऐसा लग रहा था कि चलिए हार्दिक पांड्या की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईशान किशन नहीं खेल रहे हैं और उनके बल्ले से भी मुंबई इंडियंस के लिए रन नहीं निकल रहे हैं, तो ईशान किशन मुंबई इंडियंस में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। लेकिन भैया इतना दुर्दिन ईशान किशन का चल रहा है, बुरा दिन इस तरीके से उनको घेरे हुए है कि हार्दिक पांड्या का ही दुर्दिन शुरू हो गया। हार्दिक पांड्या को ही अब मुंबई इंडियंस हटाने के कगार पे है, तो ईशान किशन को कहां झेलने वाले, ईशान किशन को कहां रखने वाले, ईशान किशन को कहां ढोने वाले। तो ईशान किशन तुरंत ही ग्राउंड पर आए, जमीन पर आए। जो आसमान में ईशान किशन उड़ रहे थे कि आईपीएल है, मुंबई इंडियंस है, राज रहेगा अपना, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भाड़ में जाए, वो ईशान किशन तुरंत धरातल पर आ गए और फिर बीसीसीआई की मांगों पर, बीसीसीआई की शर्तों पर वो राजी हो गए। और आपको बताते चले कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने हामी भर। और अब बीसीसीआई का मानना यह है कि भैया ईशान किशन दंडित किए जा चुके हैं। ईशान किशन को अपनी गलती का एहसास हो गया। ईशान किशन को दंड देकर एक कड़ा संदेश सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को पहुंच चुका है, जिस वजह से ईशान किशन की अब वापसी कराई जानी चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सही सुना, ईशान किशन के अच्छे दिन लौटने वाले। वो ईशान किशन जो एक वक्त तक सातवें आसमान पर उड़ रहे थे, जो एक वक्त तक बीसीसीआई तक चैलेंज करने के लिए तैयार थे, वो ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं और उस ईशान किशन की वापसी बीसीसीआई भी करने को तैयार हो चुकी है। अगर बात करें ईशान किशन की वापसी की, तो ईशान किशन को दिलीप ट्रॉफी में चुना जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है। और बीसीसीआई ने ठान लिया है कि ईशान किशन वहां पर दमदार प्रदर्शन करेंगे तो हम उनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर नहीं रखने वाले हैं। अब ईशान किशन के प्रदर्शन के ऊपर है कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितनी जल्द वापसी करने वाले, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। दिलीप ट्रॉफी में 4 टीमें होती हैं और वहां पर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अक्सर खेलते हुए दिखते हैं। अगर हम इस दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो यहां पर रोहित होंगे, कोहली होंगे कुछ मुकाबलों के लिए, उसके अलावा सारे मुकाबलों के लिए आपको शुभमन गिल दिखेंगे, केएल राहुल दिख सकते हैं, ऋषभ पंत दिखेंगे और भी अन्य बड़े भारतीय दिग्गज खिलाड़ी वहां पर उपलब्ध होने वाले हैं, अपना प्रदर्शन करने वाले हैं, अपना फॉर्म दिखाने वाले हैं, जिस वजह से ईशान किशन के पास एक बड़ा मौका आ चुका है, एक बड़ा अवसर आ चुका है, जहां पर वो अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं, अपने बल्ले की छाप छोड़ सकते हैं और बीसीसीआई को एक कड़ा संदेश दे सकते हैं कि अभी ईशान किशन विलुप्त नहीं हुआ है, अभी ईशान किशन के अंदर उतनी ही दमखम है, उतना ही दमखम है, उतना ही मादा है, उतना ही काबिलियत है जितना पहले था, बस समय की बात थी, अब समय बदलने वाला है। ईशान किशन अब फिर से पटरी पर आ चुका है और ईशान किशन उसी धाक में खेलने वाला है जिस धाक में वो पहले खेलते हुए नजर आते थे। देखना दिलचस्प रहेगा कि ईशान किशन किस तरीके की बल्लेबाजी दिलीप ट्रॉफी में करते हैं, लेकिन दिलीप ट्रॉफी में चयन एक बड़ा संदेश देगा कि बीसीसीआई को अब ईशान किशन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। बीसीसीआई ईशान किशन की वापसी करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के बल्ले के ऊपर है कि कितना आग उगलता है, कितना सिलेक्टरों को भी बस करता है और कब तक उनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रख सकता है।
ये सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के ऊपर है। यानी दिलीप ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो हमेशा वो सेलेक्टरों के राडार पे रहता है और ईशान किशन के लिए वापसी करने का बड़ा मौका है। हाँ, ईशान किशन के लिए एक और बड़ा मौका है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले इस दिलीप ट्रॉफी में अपना दमखम दिखाएं, अपनी काबिलियत दिखाएं और जितनी भी टीमें हैं उनको ललाहित करें, उनको ये समझाएं कि अभी ईशान किशन में हुनर बाकी है, अभी ईशान किशन में काबिलियत बाकी है और वो उनको अपनी टीम में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ले सके। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मौके का कितना ईशान किशन फायदा उठाते हैं, क्या वो सेलेक्टरों को मजबूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो चुका है कि ईशान किशन अब सेलेक्टरों के राडार पर आ चुके हैं। ईशान किशन से अब बीसीसीआई को कोई भी रार नहीं रह गया है, बीसीसीआई को कोई दुश्मनी नहीं रह गई है, बीसीसीआई उनकी वापसी कराने के लिए तैयार है क्योंकि ईशान किशन ने अपनी गलतियों में सुधार कर लिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ईशान किशन भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।